गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के तीन पहलवानों के कुश्ती मैच के फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत के लिए तीन और पदक पक्के हुए हैं। भारत की तरफ से पहलवान सुशील कुमार, बबीता फोगट और राहुल अवारे में अपने अपने वर्ग के फाइनल में जगह बनाई है। भारत को इन तीनों ही पहलवानों से गोल्ड की उम्मीद है। आपको बता दें कि दोहरे ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार समेत चार भारतीयों ने राष्ट्रमंडल खेलों की कुश्ती स्पर्धा के पहले दिन अपने पदक पक्के कर लिए। क्लब चैंपियन सुशील ने 74 किलो वर्ग में कनाडा के जेवोन बाल्फो और पाकिस्तान के मोहम्मद असद भट्ट को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कोनोविवास को माती अब वह दक्षिण अफ्रीका के जोहानिस बोथा से खेलेंगे। वहीं महिला स्पर्धा में भारत की बबीता फोगाट 53 किलो भी फाइनल में पहुंच गई, जिसने नाइजीरिया की सैमुएल बोस, श्रीलंका की दीपिका दिलहानी और ऑस्ट्रेलिया की कारिसा हालंड को हराया। अब बबीता फाइनल में कनाडा की डायना वीकेर से खेलेगी। वहीं एक अन्य भारतीय पहलवान राहुल अवारे 57 किलो ने इंग्लैंड के जॉर्ज राम, ऑस्ट्रेलिया के थॉमस सिचिनी और पाकिस्तान के मोहम्मद बिलाल को हराकर फाइनल में जगह बनाकर भारत के लिए कुश्ती में एक और पदक पक्का कर दिया है। इनके अलावा पहलवान राहुल अपना फाइनल मैच कनाडा के स्टीवन ताकाहाशी के साथ खेलेंगे। किरण 76 किलो नाइजीरिया के ब्लेसिंग से हारने के बाद कांस्य पदक के लिए खेलेंगे। अधिक जानकारियों के लिए यहां क्लिक करें। प्रीवियस पोस्ट प्रीवियस नेक्स्ट पोस्ट नेक्स्ट।